हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, हमारे बाप दादा सब हिंदू थे। असम के धुबरी से लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बयान दिया है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, कोई ना कोई जाके स्टेज पे थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के इस दावे के बाद हलचल मच गई है। बदरुद्दीन ने कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं के एक छोटे समूह के अत्याचारों के कारण मेरे पूर्वजों को खुद को इस्लाम में परिवर्तित करना पड़ा। हालांकि वो ये भी बोले कि उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर नहीं किया गया था। बदरुद्दीन अजमल के इस बयान ने असम के कई मुस्लिम नेताओं को भी परेशान कर दिया है। ये मुस्लिम नेता बदरुद्दीन अजमल का विरोध कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले बदरुद्दीन अजमल ने असम के मुसलमानों से ईद समारोह के दौरान गायों की बलि नहीं देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि गाय नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। बदरुद्दीन अजमल की इस अपील के बाद भी हंगामा शुरू हो गया था। अपने खिलाफ विरोध बढ़ता देख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मैंने अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। यहाँ तक कि कई मुस्लिम धार्मिक संस्थान भी गाय की बलि का समर्थन नहीं करते हैं। उनके मुताबिक देश के सबसे बड़े इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने भी कुछ साल पहले इसी तरह की अपील जारी की थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.